लोकसभा में रफाल के मुद्दे पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पूरा देश पीएम मोदी से रफाल के मुद्दे पर सवाल पूछ रहा है लेकिन वो हमेशा गलत जानकारी देते हैं। रफाल मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने जारी किया गोवा के स्वास्थ्य मंत्री का ऑडियो क्लिप, कहा पर्रिकर के पास है रफाल की फाइलें। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बढ़ी बीजेपी की परेशानी, बागी नेता यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, कोर्ट में दाखिल की पुनर्विचार याचिका। हंगामे के बीच आज राज्यसभा में पेश होगा 3 तलाक बिल, कावेरी नदी के मुद्दे पर एआईएडीएमके ने किया राज्यसभा में विरोध प्रदर्शन। केरल के सबरीमाला मंदिर में टूटी सैकड़ों साल पुरानी परंपरा, 50 से कम उम्र की दो महिलाओं ने किए दर्शन, शुद्धिकरण के बाद फिर खोला गया मंदिर। सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने वाली महिलाओं के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, तिरुवनंतपुरम में सचिवालय में घुसे बीजेपी कार्यकर्ता, पुलिस ने किया गिरफ्तार। राम मंदिर पर पीएम मोदी के बयान से खफा वीएचपी, कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार बोले प्रयागराज में कुंभ के मौके पर धर्मसभा में लिया जाएगा राम मंदिर पर फैसला। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को राहत, कार सेवकों पर गोली चलवाने पर एफआईआर की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। आवारा पशुओं के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में वसूलेगी गौ कल्याण सेस, आवारा पशुओं के लिए हर जिले में होगा आश्रय स्थल। मेघालय के खदान में 20 दिनों से फंसे मजदूरों को नहीं निकाला जा सका, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मामला, कल होगी मामले पर सुनवाई। अभिनेत्री मौसमी चटर्जी बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं, आज नेताओं से करेंगी मुलाकात, बीजेपी नेताओं ने कहा मौसमी के आने से बढ़ेगी ताकत। वंदे मातरम को लेकर मध्य प्रदेश में गरमाई सियासत, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान बोले 7 जनवरी को मध्य प्रदेश सचिवालय में हमारे विधायक गाएंगे वंदे मातरम। पहाड़ों पर ठंड ने बढ़ाई परेशानी, जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के कारण जवाहर टनल के पास नेशनल हाईवे बंद, हिमाचल के कई शहरों में बारिश की संभावना। बिहार के नालंदा में आरजेडी नेता की गोली मारकर हत्या, कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। ब्राजील में जायर बोलसोनारो ने ली राष्ट्रपति पद की शपथ, उपराष्ट्रपति जनरल हैमिल्टन मोरायो ने दिलाई शपथ। मैनचेस्टर रेलवे स्टेशन पर हुए हमले का संदिग्ध गिरफ्तार, युवक से पुलिस कर रही है पूछताछ, 31 दिसंबर को युवक ने चाकू से 3 लोगों पर किया था हमला। कल से शुरू होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4था और आखिरी टेस्ट, भारत ने सिडनी टेस्ट के लिए चुने 13 खिलाड़ी, टेस्ट में अनफिट अश्विन का भी नाम। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट में हारकर बाहर हुए ब्रिटेन के केल एडमंड, केल को जापान के यासुताका युचियामा ने भी मात। कैटरीना कैफ ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो, वीडियो में 0 डिग्री टेम्परेचर में अपनी बहनों के साथ कैटरीना ने लगाई पानी में डुबकी। और महेंद्र सिंह धोनी और जीवा का वीडियो हुआ वायरल, स्विमिंग पूल में पापा धोनी के साथ मस्ती करती नजर आई जीवा, वीडियो में पेट डॉग भी दिखा। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।